हे गाइस वेलकम टू द मे एजुकेशन सो टुडे डे विल टॉक अबाउट एम सिटी फाइव ईयर टू थाउजें ट्वेंटी टू कैपराउंड लेकर बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है गाइस अल्फाबेटिकल मेरिट लिस्ट हैज बीन आउट ओके सेपरेट फॉर महाराष्ट्र स्टेट सेपरेट फॉर ओएमएस सेपरेट फॉर जम्मू कश्मीर सेपरेट फॉर एनआरआई ओके सो जो भी कैंडिडेट है जिन्होंने रजिस्टर कर लिया है अपने आप को दे कैन चेक देयर रिस्पेक्टिव डिटेल्स ओके अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी है इफ यू फाउंड एनी पर्टिकुलर मिस्टेक तो कोई बात नहीं गाइज लेट्स एडिट इट नाउ यू हैव सफिशियंट टाइम टू एडिट इट ओके और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कमेंट सेक्शन में यह भी पूछा है कि एप्लीकेशन फॉर्म मैंने सबमिट कर दिया था लेकिन सो ऑप्शन फॉर्म का पता नहीं था नाउ यू कैन गिव योर ऑप्शन टू अगर आपको लगता है कि एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ मिस्टेक है देन यू कैन एडिट ऑल दी मिस्टेक्स ओवर है ओके जो भी मिस्टेक हो चुकी है इफ कन्वर्जन सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस देन यू कैन एडिट इट इवन आपको लगता है कि ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हुई देन ऑल्सो यू कैन डू दिस ओके सो लेट्स वॉच टिल देंड बिफोर मूइंग फर्दर गाइज वी हैव लॉन्च द बैच फॉर ऑल दी लॉ एंट्रेंस एग्जाम अगर आपको प्रिपरेशन करना है ऑफलाइन ऑल्सो एंड ऑनलाइन देन यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन विद एस ओके नाउ कम टू द ऑफिशियल वेबसाइट ओवर ईयर और यहाँ आपको शो कर रहा है गाइज एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑप्शन फॉर्म एडिटिंग हैज बिन स्टार्टेड सो आप एडिट कर सकते हो ओके ऑल दोज कैंडिडेट जिनके एप्लीकेशन फॉर्म कन्फर्म नहीं हुए थे यू कैन स्टार्ट एडिटिंग नाउ ऑल्सो ओके मैं लॉग इन करके आपको बताने वाला हूँ अल्फाबेटिकल मेरिट लिस्ट फॉर एम एस राउंड वन महाराष्ट्र स्टेट राउंड वन के लिए ओ एम एस के लिए नॉट कंसिडर्ड कैंडिडेट लिस्ट फॉर अल्फाबेटिकल अल्फाबेटिक लिस्ट फॉर जम्मू कश्मीर एनआरआई अल्फाबेटिक लिस्ट समरी ओके एनआरआई डॉक्यूमेंट्स अल्फाबेटिक लिस्ट समरी ओके सब कुछ आप इन डिटेल देख सकते हो देखो गाइस कैंडिडेट इलिजिबल थ्रू महाराष्ट्र लॉ फाइव ईयर्स काउंट नाइनटीन थाउजेंड ओके जिस्टर थ्रू CET कैप पोर्टल थर्टीन थाउजेंड वो हैव लॉक थ्रू सी टी ट्व था नॉट लॉक थ्रू कैप एप्लीकेशन फॉर्म वन जीरो सिक्स सेवन और उनमें से एक मैं भी हूं ओके वो डॉक्यूमेंट्स आप फुल्ली वेरीफाइड फॉर कैप राउंड वन टेन थाउजेंड ऑनली पार्सली वेरीफाइड 1726, हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स सो आप भी हो सकते हो इनमें, ओके सो डू एडिटिंग नाउ कैसे करना है चलो देखते हैं सो सेपरेट लिस्ट लिस्ट फॉर महाराष्ट्र स्टेट एंड ओ एम एस स्टेट वन बाई वन दोनों देखेंगे गाइज ओके सो दिस लिस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट और जिनके भी गाइज यहाँ येल्लो कलर शो कर रहा है ओके दिस वन डॉक्यूमेंट हैविंग डिस्क्रिपेंसी डॉक्यूमेंट हैविंग डिस्क्रिपेंसी ओके यहाँ कुछ मिस्टेक है तो आपको चेक कर लेना है आप अपना नाम देख सकते हो ओके एंड परसेंटेज भी देख सकते हो सी टी मार्क्स बराबर है या नहीं एच एस सी में परसेंटेज कितने हैं एस एस सी में कितने हैं ये भी आप कन्फर्म कर सकते हो इनकेस यहाँ कुछ मिस्टेक आपको लग रही है देन लॉग इन और लॉग इन के साथ ही आप डिटेल्स एडिट कर सकते हो ओके सो दिस इज लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू द महाराष्ट्र कैंडिडेट ओके एंड दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू द अदर देन महाराष्ट्र ओके सो अदर देन महाराष्ट्र के कितने सारे कैंडिडेट रजिस्टर कर चुके हैं फर्स्ट राउंड में आप देख सकते हो ओके उनके रिस्पेक्टिव स्कोर देख सकते हो लेकिन ये एक अल्फाबेटिकल मेरिट लिस्ट है मतलब आपके नाम के अकॉर्डिंग है ओके okay? स्कोर के अकॉर्डिंग नहीं है ठीक है आप देखोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा बट या राइट right नाउ आपका एक ही काम है डॉक्यूमेंट हैविंग डिस्क्रिपेंसी बस यहाँ अगर कुछ मिस्टेक है सी सी टी मार्क्स इनके कितने हैं नाइन्टी सिक्स एच एस सी एटी सिक्स पॉइंट एट जीरो एच एस सी नाइन्टी पॉइंट एट जीरो लेकिन मिस्टेक कहाँ हो चुकी है डॉक्यूमेंट में ओके okay? काफ़ी अच्छे मार्क्स है ओ एम एस कैंडिडेट है लेकिन इनको चेक करना होगा क्योंकि डॉक्यूमेंट शोइंग डिस्क्रिपेंसी ओके लॉग इन करो कहाँ क्या मिस्टेक है आई द अस्टेक इन कन्वर्जन सर्टिफिकेट आई द अस्टेक इन डॉक्यूमेंट्स ओके चेक कर लो एंड Re upload. Let's check how to edit. Okay, login so it shows application form complete but. नॉट कन्फर्म ओके यानी कि आज हमारे पास अच्छा खासा टाइम है राइट right? प्रोसीड टू फिल अपलीकेशन फॉर्म पर जा सकते राइस देखो ऐसे आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट हैविंग डिस्क्रिपेंसी शो कर रहा होगा अप्लीकेशन फॉर्म ऑफ सी ई टी बराबर अपलोड है या नहीं है नहीं है इसलिए बता रहा है कि अपलोड प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड प्रॉपर स्कोर कार्ड ओके okay? डोमिसाइल सर्टिफिकेट एस एस सी मार्क्शीट तो यहाँ कैसे शो कर रहा है अपलोड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स अपलोड प्रॉपर स्टेटमेंट यानी कि रीडेबल नहीं है डॉक्यूमेंट सो आपको क्या करना है वापस डॉक्यूमेंट सेक्शन पर जाना है और बस यहाँ से पहले डिलीट कर देना है ओके एंड देन वापस अपलोड कर लेना है ओके okay, फाइल चूज और अपलोड कर लो ओके गाइज सो यू हैव ट्वेल्थ ऑफ अक्टूबर द लास्ट डेट तब तक आप कर सकते हो और आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट भी हो जाएंगे वेरीफाइड भी हो जाएंगे एंड यू आर इलिजिबल फॉर द कैप राउंड ओके डिस्क्रिपेंसी एक भी शो नहीं करना चाहिए गाइज देन ओनली यू आर इलिजिबल ओके फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा अल्फाबेटिकल में सबका नाम आता है लेकिन फाइनल में किसका नाम आएगा जिसने कोई भी मिस्टेक नहीं की है ओके नो मिस्टेक ओनली दैट कैंडिडेट अगर इन्होंने वापस मिस्टेक की तो ये कैपराउंड वन में नहीं आएंगे बाकी ये जो कंफर्म है ये सब आने वाले हैं ओके सो जहाँ भी आपको लग रहा है ये मेरा नाम है लेट्स चेंज द डिटेल्स ओके दैट्स ऑल गाइट्स एनी डाउट्स एंड क्वेरीज इफ यू हैव देन आस्क मी नी बिलो कमेंट सेक्शन एंड या one preparation for 2023 and 24 then you can join our classroom sessions at mumbai for all exam updates and notifications follow our social media handles such as youtube facebook insta and you can also join our telegram group that's all guys all the best for your career see you in the next video